आपका स्वागत है रेलवे ड्रीमर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे, कल सभी जो कैंडिडेट है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के, वो सभी कल RRC ऑफिस जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डेट बहुत दिन पहले से ही फिक्स हो गया है फ्रेंड्स। तो हम लोग बात करेंगे कि कल कहाँ जाना है, कितना बजे तक जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि बहुत दिन से ही चल रहा था कि 27 अप्रैल को जैसे कि हम लोग का फर्स्ट पैनल आया था, उसमें हावड़ा डिवीज़न में जिन लोगों का मेडिकल हुआ था उन लोगों का पैनल दिया गया था। उसमें CCA, PWD, एक सर्विसमैन और कुछ UR के कैंडिडेट भी शामिल थे। उसके बाद से फ्रेंड्स, आज लगभग 10 दिन से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ना फर्स्ट पैनल वालों के लिए कुछ ज्वाइनिंग का लेटर या कोई भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, ना ही सेकंड पैनल कब तक आएगा इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो इसी के रिस्पेक्ट में सभी स्टूडेंट जो RRC ग्रुप डी का हम लोग का ग्रुप बना हुआ है फ्रेंड्स, उसमें लगभग 700-800 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़िएगा फ्रेंड्स। तो उसमें यही डिस्कस हुआ फ्रेंड्स कि 8 तारीख को हम लोग चलेंगे। वैसे तो जैसे कि हम लोग जानते थे कि बहुत बार ट्विटर कैंपेन किया गया है, बहुत मेल किया गया है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देखिए हम लोग इतने कम स्टूडेंट्स हैं, मतलब कैंडिडेट्स हैं, तो 5-10 हज़ार ट्वीट से उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक चीज़ और है कि हम लोग सब एक ग्रुप में जुड़े भी हुए नहीं हैं, तो बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ तक है फ्रेंड्स, अगर आप ईस्टर्न रेलवे कोलकाता या कलकत्ता के आसपास भी रहते हैं, अगर आप जा सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 8 तारीख को सुबह 10-10:30 बजे तक वहाँ पहुँचे फ्रेंड्स। वहाँ आपको और भी कैंडिडेट्स मिल जाएंगे, तो और वहाँ जाके क्वेरी कीजिए कि कब तक सेकंड पैनल आ जाएगा सारे बोर्ड्स का। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ दिन पहले नॉर्दर्न रेलवे का भी उन लोग का अलग अलग डिवीज़न ज्वाइनिंग देना शुरू कर दिया है फ्रेंड्स, लेकिन ईस्टर्न रेलवे पैनल दिया है, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए मतलब पता तो चलना चाहिए ना कि काम चल रहा है भाई। फर्स्ट पैनल तो उसका ज्वाइनिंग का क्या हुआ, वो लोग आगे आप लोग कुछ लेटर भेजे नहीं, ना मेल भेजे हैं, बस पैनल छोड़ के रख दिए। सेकंड पैनल कब तक आएगा, ये सेकंड पैनल किसका आ सकता है, क्या सियालदा का आएगा, मालदा का आएगा, कैसे आएगा, क्या सारा कैंडिडेट्स के एक साथ आएगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स उनसे पूछना है। हालांकि वो लोग ढंग से बात कर नहीं रहे हैं, बहुत सारे एक दो कैंडिडेट गए थे, लेकिन उन लोग से भी ठीक से वो लोग बात कर नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऑफिशियल साइट पे दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हम लोग अगर एक साथ ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स जाए तो इसका इफेक्ट एक गिरता है। आप देख सकते होंगे 27 तारीख को सब मिल के ट्विटर ये करने वाले थे, लेकिन सुबह शाम होते होते वो लोग अपना पैनल छोड़ दिए थे, तो उन लोग के ऊपर भी एक प्रेशर बनता है फ्रेंड्स। तो आप लोग सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि क्योंकि देखिए हम नौकरी होगा तो हम लोग का भी होगा, आपका भी होगा, सबका होगा, तो अगर आप लोग कलकत्ता के आस पास है या किसी काम से कलकत्ता गए हैं और अगर आप जाना चाहते हैं, तो ज़्यादा जितना ज़्यादा संख्या में फ्रेंड्स RRC ऑफिस कल पहुँचिएगा, उससे एक ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उन लोग पर, देखिए प्रेशर तो बनाते रहना होगा। और मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा जिन लोग का उम्मीद है 0.46.1 से छूटा हुआ है, देखिए पहला DB क्लियर जितना जल्दी होगा, सेकेंड DB आने का उम्मीद उतना ही ज़्यादा है, तो अगर इधर लेट होता है तो आप लोग का उधर भी लेट हो जाएगा। तो आप लोग भी अगर हैं साथ में हैं तो आप लोग भी जाइए, ये मत सोचिए कि हम लोग का तो नाम नहीं है। देखिए नेक्स्ट DB सब जगह जो B1 C1 और बहुत लोग अटेंड नहीं कर रहे, बहुत लोग का NTPC हो गया है, तो इस हिसाब से आप देखिएगा बहुत सारे सीट्स खाली जाएंगे, उसमें आप लोग के आने के चांसेस है। तो हम बोलेंगे कि आप लोग भी अगर वहाँ कलकत्ता में रहते हैं या आसपास के एरिया में जहाँ से आप जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, तो RRC ईस्टर्न रेलवे का ऑफिस जाइए और वहाँ ऑफिसर से बात कीजिए कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोशिश तो करते रहना होगा, क्योंकि ईस्टर्न रेलवे सबसे लेट काम कर रहा है
और जो उनका प्रोसेस वो इतना ही धीमा है कि लगभग जितने 16 RRCs हैं उसमें से सबसे स्लो तो यही है। अब देखिए नॉर्दर्न रेलवे भी स्पीड अप कर दिया है उनका, बहुत सारे लखनऊ डिवीज़न, अम्बाला डिवीज़न, ये लोग ज्वाइनिंग लेटर भेजने लगे पॉइंट्स मैन के। और चेन्नई उन्ने तो ट्रेनिंग उन लोग का अब ख़त्म होने वाला है, किसी का 15 दिन का ट्रेनिंग हो चुका है, किसी का 20 दिन का ट्रेनिंग हो चुका है, तो इस तरीके से वो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो देखिए अगर हम लोग खुद जाकर प्रेशर नहीं बनाते हैं तो इससे हम ही लोग को नुकसान है। तो आप सभी मेरे दोस्तों से यही अपील होगा कि कल 8 तारीख है, 8 मई 2023 मंडे को, क्योंकि आज संडे है, संडे में ऑफिस खुला नहीं रहता है, इसीलिए 8 तारीख को रखा गया है डेट। आप सभी जाइए और जितना ज़्यादा हो सके प्रोटेस्ट कीजिए, क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए, जो भी न्यूज़ हो वो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, फ्रेंड्स या ग्रुप में बताइएगा। हम लोग सब इंतज़ार में हैं कि कब जितना जल्दी हो सके सबका नौकरी हो जाए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि कल जो भी फ्रेंड्स हमारे गए हैं क्या बात हुआ नहीं हुआ, वो ज़रूर पता चल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स ज़रूर कल जाइएगा, कल 8 तारीख है, सोमवार है, कल 10 साढ़े 10 बजे के करीब आप लोग सभी RRC ऑफिस कलकत्ता ज़रूर जाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि एक ग्रुप में न्यूज़ फैलते रहे। बात यह होता है कि हम लोग इसलिए हम लोग का जो प्रोटेस्ट है वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग को ये पता नहीं चलता है, बहुत सारे फ्रेंड्स को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि कुछ लोग ग्रुप देखते हैं नहीं देखते हैं। तो अगर ये वीडियो पहुंचता है फ्रेंड्स तो वो सभी अवेयर होंगे कि भाई मुझे जाना है, तो कब जाना है, नहीं जाना है, कब ट्विटर करना है, कब ये करना है, तो ये सब चीज़ में डिस्कशन करने में मदद मिलता है फ्रेंड्स। तो शेयर कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए, और कल ज़रूर जाइएगा फ्रेंड्स, ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये हम ही लोग का लाइफ का सवाल है फ्रेंड्स। जितना जल्दी जाइएगा उतना जल्दी काम ज्वाइन होगा, उतना जल्दी पेमेंट आएगा, सबसे बड़ा बात है। इतना साल से बेरोजगार है, नौकरी लग गया है फ्रेंड्स, तो जितना रेलवे का काम क्या है, सरकार तो यही चाहती है कि जितना हमको लेट से हो पैसा नहीं देना पड़ेगा। ऐसे ही 5 साल गुजर गया है, और कितना दिन फ्रेंड्स। तो अपने तरफ से भी एफर्ट करना है, पहले नौकरी के लिए PT के लिए एफर्ट किए, रनिंग दिए, उससे पहले पढ़ाई किए, अब रिज़ल्ट के लिए एफ़र्ट लगाना पड़ रहा है, लेकिन बस और कुछ दिन बढ़िया से एफ़र्ट लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स, सभी जाके बोलना पड़ेगा, तभी उन लोग कुछ सुनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू फ्रेंड्स।